एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस, जिसे शॉर्ट टर्म में FIA भी कहा जाता है, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इसका बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन या इसका बेसिक जो फंक्शन होता है, उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। सो फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस क्या होता है? फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस FIA is an automated method of chemical analysis of a sample. So basically, flow injection analysis एक automated method है, जिसे हम किसी भी sample का chemical analysis कर सकते हैं। So FIA का detail principle समझने से पहले automated methods क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। Automated technique भी कहा जाता है इसे। ये basically 2 mark के क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज ऑटोमेटेड टेक्निक या मेथड्स। सो उसके लिए आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, तो द टेक्निक मेथड आर सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग आर कंट्रोलिंग अ प्रोसेस बाय हाईली ऑटोमेटिक मींस एज बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरवेंशन टू अ मिनिमम द एक्ट आर प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक आर मेकिंग ऑटोमेटिक ओके ऑटोमेटिंग आर मेकिंग ऑटोमेटिक। सो बेसिकली ऑटोमेटेड टेक्निक का आप ये जो है अपने लिख सकते हैं थ्योरी पोर्शन में। बेसिकली ऑटोमेटेड टेक्निक मतलब नाम से ही पता है कि कोई भी हमारा जो प्रोसेस होगा या सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिक ही जो है कंडक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा, या फिर इसमें जो है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ह्यूमन वर्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा ऑटोमेटिक ही इसको पूरा जो प्रोसेस होगा, पूरा टेक्निक जो प्रोसेस होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो सब जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। इसको ही ऑटोमेटिक टेक्निक कहा जाता है, और इसी ऑटोमेटेड टेक्निक का ही एक इम्पॉर्टेंट मेथड है फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस। सो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रकार से ये ऑटोमेटिक टेक्निक है, इसका किस प्रकार से हम वर्किंग फंक्शन है, इसमें हम देखेंगे। सो फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस इज एन ऑटोमेटेड मेथड केमिकल एनालिसिस इन विच अ सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू फ्लोइंग कैरियर सॉल्यूशंस दैट मिक्स विथ रिएजेंट बिफोर रीचिंग अ डिटेक्टर। सो FIA क्या होता है, बेसिकली इसमें किसी भी इस मेथड के प्रोसेस में एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल होता है हमारा, उसको हम इंजेक्टेड करते हैं इनटू अ फ्लोइंग कैरियर सॉल्यूशंस, कोई भी फ्लोइंग कैरियर सॉल्यूशंस का जब हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो ब्लॉक डायग्राम, उसमें और इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे ये थ्योरी पोर्शन है जो आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आप समझ सकते हैं यहाँ से। बेसिकली सो फ्लोइंग कैरियर सॉल्यूशन मिक्स विथ रिएजेंट बिफोर रीचिंग अ डिटेक्टर, डिटेक्टर में पहले पहुंचने से पहले हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं कैरियर में रिएजेंट के साथ मिक्स करते हैं। एंड FIA टेक्निक डेवलप्ड इनटू अ वाइड अरे ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड अदर मेथड्स द इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस फॉर डिटेक्शन ओके ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए बेसिकली। एंड फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस FIA वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रुजिका एंड हेंसन इन डेनमार्क एंड स्टेवर्ट एंड को वर्कर्स इन US इन मिडिल ऑफ 1970s। ओके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, अगर आप थ्योरी एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो इन पॉइंट्स को लिखने से हमारा आंसर जो है बेटर बनता है। सो दैट्स वाई आई इंक्लूड दिस पॉइंट्स एंड यू कैन राइट इन योर नोट्स ओके। सो द प्रिंसिपल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉट इज द प्रिंसिपल, थ्योरी पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल इज अ सैंपल और एनालाइट्स इज इंजेक्टेड इन टू अ फॉलोइंग कैरियर सोल्यूशन स्ट्रीम दैट इज फोर्स बाय अ प्रिस्टेटिक इन डन अंडर कंट्रोल डिस्पर्सन इज नोन वॉल्यूम्स द कैरियर सोल्यूशन एंड सैंपल देन मीट एंड मिक्सिंग पॉइंट विथ रिएजेंट एंड रिएक्ट द रिएक्शन टाइम इज कंट्रोल बाय अ पंप एंड देन फ्लो थ्रू अ डिटेक्टर मोस्ट ऑफन द डिटेक्टर इज अ स्पेक्ट्रो फोटोमीटर एज अ रिएक्शन यूजली प्रोड्यूस अ कलर्ड प्रोडक्ट आफ्टर मूविंग थ्रू द डिटेक्टर द सैंपल देन फ्लोज द वेस्ट ओके। सो ये जो है पूरा प्रोसेस प्रिंसिपल में आप जो है उसका जो एक्सपेरिमेंट प्रोसेस होता है उसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है हम इसके ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जो थ्योरी पोर्शन है जो है इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझेंगे इंस्ट्रूमेंट में क्या कैसे किया जाता है इसमें बेसिकली। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा जो है कैरियर होगा रिएजेंट होगा यहाँ पे। सो ये एक पंप की तरह होगा जहां पे ये पास होगा, ये जो पंप हमारा होता है बेसिकली हम
प्रोपेलिंग यूनिट का यहाँ पे यूज करते हैं कैरियर फॉलो को आगे बढ़ाने के लिए। ये पंप यूज किया जाता है जिससे ये हमारा यहाँ पे सैंपल को इंजेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम सैंपल इंजेक्ट करेंगे जिससे ये जो हमारा कैरियर सॉल्यूशन होगा और ये सैंपल होगा दोनों यहाँ पे मिलेंगे एक साथ। उसके बाद ये कॉइल नंबर 1 है, ये रिएक्शन कॉइल 2 है। यहाँ पे बेसिकली मिक्सिंग का कार्य होता है, जो रिएजेंट एंड सैंपल होगा उसको मिक्सिंग किया जाता है इन दोनों इन पॉइंट में एंड यहाँ पे हीट किया जाता है। उसके बाद हमारा डिटेक्टर के द्वारा हम इसको जो है डिटेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा जो भी सैंपल होगा उसको, जो भी हमारा केमिकल एंड फिजिकल उसका प्रॉपर्टीज निकालना होगा उसको डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम वहां से उसका जो है स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डिटेक्टर्स स्पेक्ट्रोमीटर्स, ये सब हम यूज करेंगे। सो ये बेसिक है, ये ब्लॉक डायग्राम है और पूरे जो फ्लो इंजेक्शन का, जो हमारा फ्लो इंजेक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट है फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस का, ये इसी पॉइंट पर है कि हम कैरियर या जो हमारा रिएजेंट होगा वो एक पंप में हम जाएगा, पंप में होता है उसके बाद पंप में होगा, उसके बाद जो ये हमारा प्रोपेलिंग यूनिट होगा यहाँ पे हम इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए पंप की सहायता से आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है जिससे ये रिएक्शन कॉइल लगे हुए होते हैं जहां पे इसको जो है मिक्स किया जाता है रिएजेंट एंड सैंपल को, उसके बाद डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं एंड ये डायग्राम है, आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद इसको जो है आप इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम विच डिपिक्ट्स द बेसिक्स ऑफ एफआईए एंड डिटेक्टर्स, यहाँ पे हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। सो फ्लो थ्रू डिटेक्टर इज लोकेटेड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द सैंपल इंजेक्टर एंड रिकॉर्ड्स अ केमिकल फिजिकल पैरामीटर्स। मेनी टाइप्स ऑफ डिटेक्टर कैन बी यूज सच एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लोरीमीटर, बायोसेंसर्स, मास स्पेक्ट्रोमीटर एसेट्रा। सो बेसिकली डिटेक्टर के लिए हम ये सब डिटेक्टर यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा डिटेक्टर यूज करना जिससे हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस मेथड में, इस एक्सपेरिमेंट में हम जो हमारा बहुत ज्यादा स्पीड होता है इसका, अगर एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखें तो 100 सैंपल्स को हम एक साथ जो है यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस प्रकार के डिटेक्टर यूज करते हैं जिसे हम केमिकल फिजिकल पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लोरीमीटर, बायोसेंसर्स, मास स्पेक्ट्रोमीटर एटसेट्रा। एंड नाउ द एप्लीकेशन पोर्शन ऑफ दिस फ्लो इंजेक्शन। सो यहाँ पे अगर हम देखें एप्लीकेशन, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एप्लीकेशंस के। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, फ्लो इंजेक्शंस टेक्निक हैव प्रूवन वेरी यूजफुल इन मैरीन साइंस फॉर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनालिट्स इन मैरीन एनिमल सैंपल्स एंड सी फूड्स। जो हमारे समुद्री जानवर जंतु होते हैं उनका जो ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल होता है मैरीन साइंस में। वहां पे हम जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो हमारे एनालिट्स होंगे उसको हम यहाँ पे एफआई का यूज करके, टेक्निक का यूज करके हम उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम जान सकते हैं। एंड द फ्लो इंजेक्शन मेथड अप्लाइड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड, डीएनए, आरएनए, फॉर्मेल्डिहाइड, हिस्टामाइन, इन सबके जो है हम स्टडी कर सकते हैं। फ्लो इंजेक्शन मेथड अप्लाई करते हैं इनको डिटरमाइन करने के लिए, एमिनो एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सबका, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। दो पॉइंट है एप्लीकेशन के, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको जो है अपने नोट्स में एड कर सकते हैं। तो द फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस टेक्निक हैज फाउंड वाइड एप्लीकेशंस विच कैन बी मेनली एट्रीब्यूटेड टू इट्स वर्सिटैलिटी, हाई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड द रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम सैंपल ट्रीटमेंट प्रायर टू इंजेक्शन इनटू द सिस्टम। सो ये भी एप्लीकेशन पार्ट में ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्योंकि बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। मेनली जो इसका वर्सेटैलिटी होता है, बहुत सारे हाई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगा इसमें एंड जो रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम सैंपल इसके रिक्वायरमेंट होता है कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसका जो स्पीड जो है बहुत ज्यादा होता है, 100 सैंपल्स को जो है हम एक बार में एनालाइज कर सकते हैं। एंड ये ऑटोमेशन है ऑफ सोल्यूशन हैंडलिंग का एंड लो कॉस्ट होगा, लेस वेस्ट मटेरियल जो निकलेंगे बहुत लेस होंगे एंड जनरेटेड स्मॉल रिएजेंट वॉल्यूम हम जनरेट कर सकते हैं। सो जो रिएजेंट वॉल्यूम जो होगा हमारा यहाँ पे लो वेस्ट जनरेट होगा एंड जो हमारा स्मॉल रिएजेंट, जो रिएजेंट हम यूज करेंगे वो स्मॉल वॉल्यूम में यूज करेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसके और ये बेसिक इसका जो है प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल बेसिकली यही है कि जो हमारा कैरियर होगा वो एक पंप के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है जिससे सैंपल को इंजेक्ट किया जाएगा एंड मिक्स होगा हमारा कैरियर जो हमारा होगा रिएजेंट एंड सैंपल, उसके बाद डिटेक्टर को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। सो ये बेसिकली एफआई का प्रिंसिपल है, इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है, ये थ्योरी पोर्शन है।
आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कीजिए, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। सो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा इस टॉपिक का। ये बेसिकली ऑटोमेटेड मेथड्स का एक टॉपिक है। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैंडमेड नोट्स चाहिए तो आपको नीचे एक पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर एक बार चेक कर सकते हैं, जहां आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे हैंडमेड नोट्स यूनिट वाइज मिलेंगे। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल सो प्लीज चेकआउट, एंड आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।